नमस्ते, मैं हूं अभी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ हैं यहां के प्रेसिडेंट सर कतरे सर। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गोंदिया कोर्ट की जो भी हिस्ट्री है सर हमें बताएं उसके बारे में। मैं एडवोकेट टीबी कतरे, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ गोंदिया। ये जिले में 1916 से कोर्ट का फंक्शनिंग शुरू हुआ, जिस वक्त इस जिले में सिर्फ 3 वकील काम किया करते थे। 100 साल से भी 1-2 साल ज़्यादा हो गए। आज यहाँ हमारे अधिवक्ताओं की संख्या तकरीबन 360 से 370 तक है और यहाँ 5 जगह पर दीवानी स्तर के न्यायालय काम करते हैं, जैसा कि तिरुड़ा, सड़क अर्जुनी, मुर्गा अर्जुनी, देवरी, आमगांव, ऐसे 5 जगह हुआ करते हैं और 5 जगह पर दीवानी न्यायालय और न्याय दंडाधिकारी के कोर्ट फंक्शनिंग में है। वैसे तो ये जिला महाराष्ट्र राज्य का आखिरी छोर है और आखिरी छोर होने की वजह से यहाँ काफ़ी न्यायालय की जो स्थिति थी वो स्थिति काफ़ी गंभीर थी। जैसा कि यहाँ जिला न्यायालय की इमारत में भी बैठक की व्यवस्था नहीं थी, उस वजह से हमारे जिला बार ने जनहित याचिका की और जिस जनहित याचिका के दौरान यहाँ विस्तारित इमारत का निर्माण किया गया, सर्वमान्य उच्च न्यायालय ने हमको न्याय प्रदान किया, जिसके तहत यहाँ विस्तारित 5 मंजिली इमारत का निर्माण हुआ जहाँ सभी सेशन कोर्ट बैठेंगे और हमारे वकीलों को भी सभी सुविधा मुहैया कराया जाएंगी। वैसे ही महिलाओं को भी महिला बार रूम दिया जाएगा और महिलाओं को भी सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाने वाली है। वैसे ही यहाँ जजेस के लिए रेसिडेंशियल प्रॉब्लम था, वह प्रॉब्लम रहने से यहाँ जनहित याचिका के दौरान यहाँ हमारे न्यायाधीश लोगों के लिए भी करीबन 10 क्वार्टर बनाए जा रहे हैं और वो भी जल्दी अभी 2-4 महीने के अंदर ये क्वार्टर बनेंगे और हमारे न्यायाधीशों को भी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था वो सामना भी नहीं करना पड़ेगा और वो अपने रेसिडेंस में चले जाएंगे 2-3 महीने में। यहाँ जो कोर्ट का जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग में काफ़ी जो सुविधा जिला बार पूरी कर रहा है, हमारे देवरी में न्यायालय के लिए हमने एक जनहित याचिका दायर की, उस जनहित याचिका के दौरान कृषि विभाग की हमें न्यायालय के लिए जमीन मिली और वहाँ भी जल्दी इमारत का निर्माण किया जाएगा। गोरेगांव जो तहसील है वहाँ न्यायालय नहीं है, वहाँ न्यायालय होने के लिए हमने जनहित याचिका की, वो भी जनहित याचिका में हमको जमीन प्रदान की जाने वाली है। तो ऐसे कई प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो हमारे जिला बार काफ़ी लगा हुआ रहता है और ये सभी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर बहुत से प्रॉब्लम सब दूर हो जाएंगे। ये महाराष्ट्र का आखिर छोर तो है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ कवि कालिदास की भी ये भूमि है, जहाँ जो कचारगढ़ है वहाँ कवि कालिदास जी ने वहाँ जप किया था। बड़ी इम्पॉर्टेंट भूमि है और बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं, कचारगढ़ देखने के लिए आते हैं और वहाँ दर्शन करने भी आते हैं। नागरा भी एक बड़ा भव्य मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है, वहाँ भी काफ़ी सजगता से लोग आते हैं और मंदिर देख करके दर्शन करके जाते हैं। वैसे यहाँ पशु पक्षी के लिए विदेशी पक्षी भी प्रवास करते हैं यहाँ, क्योंकि ये जिला तालाब का जिला माना जाता है, विदेशी पक्षी आते हैं और विदेशी पक्षियों में भी एक सारस जो पक्षी है वो हमारे जिले का ही है रेगुलर पक्षी, तो वो पक्षी झिलमिली गाँव में आता है, वो पक्षी झिलमिली के तालाब में रहता है, वो पक्षी को देखने के लिए भी यहाँ काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भी आए थे, शरद बोबड़े साहब, अभी तो वो सर न्यायाधीश है लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे तो झिलमिली आए थे यहाँ देखने के लिए। यहाँ नागजीरा है, नवेगांव बांध है, ऐसे कई जगह है कि जो नैसर्गिक साधनों से परिपूर्ण है। हाजरा फाल भी एक ऐसी जगह है कि जहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। तो ऐसी कई जो यहाँ चीज़ें हैं, महाराष्ट्र का आखिरी छोर भी है और महाराष्ट्र का आखिरी छोर है और 5 राज्यों से लगा हुआ है ये जिला है। मध्य प्रदेश भी बॉर्डर लाइन पे ही है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है
और इधर नंदुरबार की तरफ तुम्हारा गुजरात है, तो ऐसा पांच राज्यों के छोर पे हमारा जिला बैठा हुआ है और हमारा जिला बार काफ़ी प्रयत्नरत है ये सभी चीज़ें करने के लिए। अभी हमारी इमारत का जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये लोकार्पण जो सोहरा हम मनाने जा रहे हैं वो 25 अप्रैल को एक रफली डेट तय की है, जिसमें हमारे विस्तारित इमारत का भी उद्घाटन होगा और वहाँ हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो दिग्गज न्यायमूर्ति और बहुत से दिग्गज सब आने वाले हैं और बड़ा अच्छा ये जो कार्यक्रम होगा ये काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाएगा। हमारे जिला बार की ऐसी हिस्ट्री है, यहाँ बार तो ये छोटा सा है लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ तैयार हुई है। यहाँ तो छेदीलाल जी गुप्ता जैसे हमारे बार के मेंबर थे, वो वन मंत्री के रूप में काफ़ी दिनों तक रहे। हमारे ये पुराने जिले में त्रिपुरे साहब थे, नासिक राव त्रिपुरे साहब, ये उप मुख्यमंत्री के पद तक गए, हमारे बार के ही थे, वो उस वक्त हमारा ही बार था ओरिजिनल बार। वैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता के रूप में पी डी रहांगडाले साहब जो हमारे बार के सदस्य थे, वैसे ही अभी सर ने बोले आपने कि तैलानी साहब की भी मैंने इंटरव्यू लिया, तैलानी साहब भी हमारे ही बार के जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बने, और भी अमरजीत सिंह बग्गा साहब जो हमारे बार के सदस्य थे वो हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बने और अभी सेवानिवृत्त भी हो गए, अभी औरंगाबाद में रहते हैं वो। और अभी हमारे बार के सदस्य जो थे नितिन भाऊ बोरकर, वो भी हमारे उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बन गए, तो और भी कुछ लोग बनने जा रहे हैं, यानी हमारे छोटा सा बार वो जो बोलते हैं कि मूर्ति लहान लहान पर कीर्ति मोटी, तो ऐसा हमारा बार है। और हम जिला बार की तरफ से काफ़ी चीज़ें और भी करना चाहते हैं और हमारे वकीलों को भी हम मार्गदर्शन करते हैं कि आप जुडिशियरी में जाइए, जो लोग इंटरेस्टेड है उन्हें जुडिशियरी में जाना चाहिए और हमारे जिले का नाम चमकाना चाहिए, ऐसा मैं सभी को विनंती भी करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर।